So hello everyone, welcome to our Super Learning Platform. Here we are discussing the very important chapter of inorganic chemistry, in which we are going to discuss the thing like the chemical bonding. So I hope कि आपकी preparation काफी अच्छे से चल रही होगी. आप JEE Mains April और मई वाले attempt के लिए काफी अच्छे से prepare कर रहे होंगे. और अभी हमारा main focus आपका JEE Mains April और JEE Advanced जो हमारा होने वाला है उसके ऊपर है और NEET के ऊपर है. तो उस case के related जो अभी हम लोग ये chapter discuss कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा important रखता है उसके मायने में. तो उस चीज को हम लोग और आगे फर्दर, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड लुईस ऑक्टेट की थ्योरी को डिस्कस करा था, तो उस केस के अंदर अब हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करते हुए जो इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जहाँ पे हम समझते हैं कि आखिर बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है. और यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. तो सारी चीजों को हम लोग बारीकी से देखेंगे और काफी अच्छे तरीके से एक बीबीटी को हम लोग कवर कर रहे होंगे इस लेक्चर के दौरान. और इसके अगले लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन को पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे. सो आप लोग हमें साथ साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें. तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हुए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती क्या है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताती है कि आखिर कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है. तो इसकी कुछ दो तीन टिप्स होती है जो मेन पॉइंट्स होती है, उसे हम लोगों ने यहाँ नोट करके रखा है. और उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो हमारा बोलता है कि अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डिंग एटम. यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी बनेगा तो वो ओवरलैपिंग होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का, जो कि बॉन्डिंग एटम्स होंगे हमारे पास, उनके ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के साथ हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. आगे चल के हम इस ओवरलैपिंग वाले टर्म्स को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उससे हमें पता चलता है कि हमें बॉन्ड कैसे बनाना होता है. तो उस केस के रिगार्डिंग में जब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन ऑर्डर टू शो द ओवरलैपिंग द बॉन्डिंग एटम मस्ट कम क्लोज इनफ टू ईच अदर सच दैट देयर ऑर्बिटल कैन ओवरलैप. यानी कि इनका बोलने का सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो पहले एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे, तभी वो उसे ओवरलैप करते हैं या फिर हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हम करते हैं. उस केस के अंदर ये क्या कहती है, पेनिट्रेशन होती है एक ऑर्बिटल की दूसरी ऑर्बिटल के साथ. तो उस केस में ऑर्बिटल को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, तभी वो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा. ये इसका बेसिकली मतलब समझ सकते हैं, वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे. नाउ हमारे पास जो तीसरा पॉइंट आता है, द एटम अप्रोचेस ईच अदर देन द टू टाइप्स ऑफ फोर्स आर एक्टिंग. यानी कि एक तरह से वो ऐसे अप्रोच करते हैं कि दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस वहां पे जनरेट होती है, दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस वहां पे एक्ट करती है. अब वो कौन सी फोर्सेस होती है, तो हमारे पास पहला फोर्स वहां पे अट्रैक्ट होने लगता है, रिपल्सिव फोर्स, और दूसरी फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स आती है. तो रिपल्सिव फोर्स के बारे में कुछ थोड़ी सी इन दोनों के बारे में जानते हैं कि रिपल्सिव फोर्स हमारे पास शॉर्ट रेंज की फोर्स होती है, ये ज्यादा लॉन्ग रेंज की फोर्स नहीं होती. और जब भी अट्रैक्टिव वाली जो फोर्स की नेचर होती है वो हमारे पास लॉन्ग रेंज की फोर्स होती है. रिपल्सिव फोर्स के अंदर हमारे इंक्रीज द एनर्जी, यानी कि सिस्टम की एनर्जी को ये इंक्रीज करता है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को ये इंक्रीज करने में हेल्प करता है. वेयर एज द अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती है हमारे पास वो डिक्रीजेस द एनर्जी, वो एनर्जीज को डिक्रीज कर देती है. तो ये हमारे पास इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप थी. अब यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है, जो कि यहाँ पे एनर्जी और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बीच में कर्व, ये ग्राफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी एनटीए का पिछले दो तीन साल से बहुत ज्यादा फेवरेट हो रखा है और जेई एडवांस में इस पे वो लोग न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं आपसे. तो अभी एनटीए के लिए, नीट और जेई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इस ग्राफ को समझते हैं कि पहले मान लीजिए कि दो एटम है, वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए. वो जब अभी तो दूर दूर है तो वहां पे हमारे पास फोर्सेस भी कम है और वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन फोर्सेस लग रही है और हमारे पास एनर्जी कम है. तो उस केस के अंदर जब ये एक दूसरे के पास और आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स तो और लगते जाएगा, तो हमारे पास ये गर्व इधर की तरफ डाउन होते जाएगा. एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से हमारे पास रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा. जब रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और ये सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होगा, तो कर्व जो नीचे आते जाएगा और एक पॉइंट पे आके हमारे पास अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे. तो उस केस के अंदर हमारा अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा. उसके अंदर जो ये पॉइंट होगा वहां पे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो वहां पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है उस बॉन्ड की लेंथ को हम लोग आर नॉट से डिनोट करते हैं. अब आर नॉट क्या होता है, तो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब अब इससे क्लोज वो एटम्स एक दूसरे के पास नहीं जा सकते. इस आर नॉट की वैल्यू ही आपकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू होती है.
उसके बाद फिर से जैसे जैसे हम नजदीक जाएंगे तो फिर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है और ये सिस्टम की एनर्जी को बहुत इंक्रीज कर देता है। तो ये हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कर्व होती है वो हमने डिस्कस करा। इसके ऊपर चलिए एक बेहतरीन से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है ग्राफ की, यू आर इक्वल टू 9 r² + 3 r + 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको कहा कि द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम ए एंड बी। सो नाउ द कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ द ए बी फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे वो बता रहा है कि आपको एक वेरिएशन है पोटेंशियल एनर्जी के कर्व का, उसका वेरिएशन दे रखा है और आपको उस बॉन्ड का लेंथ पूछ रखा है जो ए और बी एटम के बीच में बना है। तो इस केस के आंसर ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम टैकल करेंगे तो उसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो हम तो समझ गए कि ऐसा ही कोई कर्व होने वाला है। मान लीजिए हम एग्जांपल के अंदर कि ऐसा ही कोई कर्व हमारे पास गिवन है और इसी के अंदर हमको कर्व दे रखा है वो लोग उसमें। इस केस के अंदर हम समझ गए कि हमारे पास उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा उस कर्व के, वो तो हमारे पास उसका मिनिमा आता है तो हमें तो मिनिमम पॉइंट चाहिए क्योंकि वहीं पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रहता है। तो स्लोप इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स, यानी कि अब हमें उस कर्व को डिफ्रेंशिएट करना है जो 9 r² + 3 r + 2 है, देन -18 r³ + 3 = 0। अब यहाँ पे ये इसके मिनिमा वाले पॉइंट पे हम इसे इक्वल टू जीरो करते हैं फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को। नाउ 3 = 18 r³, so our r will be equal to 6⁻³ angstrom. So this will be our value of the bond length value. So ऐसे हम bond length को calculate कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमने next point बोला था कि काफी ज्यादा important और काफी ज्यादा critical term होता है कि overlapping, आखिर ये होता क्या? So basically overlapping के अंदर आपको पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू ईच अदर, जो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स पेनिट्रेट कर जाते हैं इन दोनों के अंदर। तो अब इनकी कुछ रूल्स होती है ओवरलैपिंग की। तो ओवरलैपिंग्स के रूल के अंदर जो क्या ये बताना चाहते हैं, तो ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, यानी कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतनी ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उतना ही बॉन्ड ताकतवर होते जाएगा। और ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन एंटर द ओवरलैपिंग, बिल्कुल सही बात है। वैसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो ओवरलैपिंग करेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ओवरलैपिंग क्यों करने जाएंगे। तो ये उनकी बताने की कुछ रूल्स है। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल अरेंज इटसेल्फ इन अ सच अ वे दैट इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई, यानी कि वो हमें जब ओवरलैपिंग का हम कार्य कर रहे हैं तो उस केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो खुद को एक ऐसे तरह से अरेंज कर लेता है कि वो बोथ न्यूक्लियाई यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके इन्फ्लुएंस में रहता है। वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप को ऐसे अरेंज करके रखता है ओवरलैपिंग के केस में कि वो आपको लगेगा कि बिल्कुल ये न्यूक्लियस के ही इन्फ्लुएंस में है। अब कुछ इनके टाइप्स होते हैं ओवरलैपिंग के, दो टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है हमारे पास, एक्सियल और पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर क्या करते हैं कि एक्सिस के अलोंग ही हमारे पास ओवरलैपिंग होती है। एज फॉर नाउ आप देख सकते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर हम लोग सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास 1s प्योर और 1s प्योर को आपने ऐड करा तो ये हमारे पास ऐसे बन के आए और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे एक आपको नई सी टर्म दिख जाएगी जो हमारे पास सिग्मा जी, आपको साई जी का डिनोट आपको मिल जाएगा। तो ये साई जी क्या होता है, तो ये आपके लिए जीरेड ऑर्बिटल्स है, यानी कि वे इसकी वेव फंक्शंस होती है। जीरेड का मतलब बेसिकली क्या होता है, जीरेड का मतलब साइन ऑफ द लोब्स सेम साइड, साइन ऑफ द लोब सेम जो कि चेंज नहीं हुई है उसके बाद उसे हम बोलते हैं जीरेड, और साइज ऑफ द लोब्स डिफरेंट हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं अनजीरेड। इसको हम और अच्छे से आज के लेक्चर के एंड में समझेंगे, अभी हम लोग देखते जाते हैं कि कौन सा जीरेड है कौन सा अनजीरेड है। अब जो हमारे पास पीपी एक्सियल ओवरलैप आती है तो 2py और 2py अपने y एक्सिस के अलोंग अगर मिलते हैं तो वो वहां पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, यहां भी हमारे पास जीरेड है। डीडी एक्सियल ओवरलैप, बट यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि d ऑर्बिटल्स के dx² - y² and dz² आए, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि यही दोनों आएंगे तभी हमारे पास डीडी एक्सियल ओवरलैप होगा और सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। अगर आपने dxy dyz और dxz को लाया तो वहां पे हमारे पास पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। So, यहाँ पे जैसा कि हमने देखा तो सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन, ये भी सिग्मा जीरेड है। अब अगर हम P और S ओवरलैप करते हैं, यानी कि
2PZ और 2S की ओवरलैप करता है तो वो तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, बट इस केस के अंदर ना हम जीरेड डिफाइन कर पाएंगे ना ही हम अनजीरेड डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि जीरेड और अनजीरेड होमोन्यूक्लियर के केस में डिफाइन होता है, वो हेट्रोन्यूक्लियर के केस में डिफाइन नहीं होता है। उसके लिए आपको होमोन्यूक्लियर ही चाहिए, तभी आप जीरेड या अनजीरेड डिफाइन कर पाएंगे। ये बेसिकली उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एक टर्म्स होती है जो कि एटॉम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिलेटेड होती है। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है लेटरल ओवरलैप। लेटरल ओवरलैप को आप बोल सकते हैं कि पैरेलल ओवरलैप या साइडवेज ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास टू लोब की इंट्रैक्शन होती है, यहाँ पे हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है पीपी लेटरल ओवरलैप, यानी कि 2px और 2px को एक ऐसे तरीके से हम ओवरलैप करेंगे जो कि वहां पे वो पैरेलल ही रहे, जैसे कि और लोब्स के टू लोब्स की इंटरेक्शन हो वहां पे। तो इस केस में हमने पीपाई पाई बॉन्ड बनाया, ये सिग्मा अनजीरेड होगा। देन हमारे पास डीडी लेटरल ओवरलैप आया, तो इस केस के अंदर हम डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स को कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे हम। यहाँ पे हम पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेंगे, डी एक्स वाई को लेके हमने डी डी मतलब पाई बॉन्ड्स की हमने फॉर्मेशन की, ये भी सिग्मा अनजीरेड की फॉर्म है। पीडी लेटरल ओवरलैप, अगेन पीडी लेटरल ओवरलैप, आपने पी वाई लिया और डी एक्स वाई लिया, आपने बेशक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करी है, बट अगेन द सेम थिंग, जीरेड और अनजीरेड आपके होमोन्यूक्लियस के लिए डिफाइन होते हैं, वो हेट्रोन्यूक्लियस के लिए डिफाइन नहीं होते हैं। तो इस केस में भी हम जीरेड अनजीरेड नहीं बता पाएंगे, बट हाँ पाई बॉन्ड है ये हम जरूर कंसिडर करेंगे। सो अब हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जीरेड और अनजीरेड वाला, जो आपको अभी तक थोड़ा सा अगर नहीं पता हो तो अभी हम उसे डिस्कस कर रहे हैं, जीरेड और अनजीरेड वाले कॉन्सेप्ट। उस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर जो अभी मैंने बताया साइन ऑफ द लोब सेम साइड, यानी कि जो साइंस आपके थे वो सेम साइड्स पे अगर आते हैं तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं जीरेड वाला केस। यानी कि अगर आपके पास प्लस माइनस आपने ऑर्बिटल लिया था और आपने एक डी की ऑर्बिटल ली थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी की तरह से अरेंज हो रखा है अपने आप को। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा जी, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, सेम रह गया। बट इन द केस अगर आप देख रहे हैं यहाँ पी लिया है और आपने यहाँ पे भी डी लिया है, बट इस केस में वो सेम नहीं रहा और यहाँ पे इंट्रैक्शन करके उन्होंने साइड साइन चेंज हो गई है, कुछ उनके अंदर चेंजिंग आ गई है, तो उस केस में हम सिग्मा अनजीरेड यानी कि साई अनजीरेड आप इसे बोल सकते हैं। तो अनजीरेड की केस में वहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जेई मेंस के रिगार्डिंग नहीं है, बट हाँ कभी कभी वेव फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जेई एडवांस पूछ लेता है। आप यहां तक ध्यान रखें कि कैसे हम सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, कैसे हम पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं, आपको उसकी स्टेबिलिटी और एनर्जी को ध्यान रखना है, आपको बॉन्ड की स्ट्रेंथ को लेकर ध्यान रखना है, आप उस एनर्जी वाली कर्व के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस करें। उसके ऊपर जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट टू आपको देने वाले हैं उसमें काफी ज्यादा आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट आए, आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो, आप लेक्चर चाहिए हो, आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। आई विल लव टू सी देम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्टेक्टिंग विथ अस एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद।